हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं, हम लोग 1500 से लगभग 2000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हमारे पास आज रहा एक पहला प्रश्न, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कृषि के बारे में, कृषि से संबंधित जो है ना आपको कुछ जानकारी लेंगे। जो फसल होती है रबी फसल, आपको खरीफ फसल, इन सब के बारे में भी जानकारी लेंगे। हमारे पास एक प्रश्न है बड़ा ही प्यारा सा। ये प्रश्न ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। ये जो नदी घाटी जो आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, जो आपको प्रोजेक्ट थे, उसको जो है ना टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आपको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था आपको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं थी उसको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। हम लोग खेती में जो है ना, निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती मतलब आप लोग ये मत समझ जाइए क्या कि आपको एक ही खेती, मतलब जो है ना आप लोग सिर्फ और सिर्फ खेती से समझते हैं, ठीक है। आपको मिश्रित खेती मतलब होता है आपको मिक्स्ड जो है ना, आपको उसको जो है ना फार्मिंग कहा जाता है अंग्रेजी में। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है खेती के साथ साथ जो पशुपालन होता है उसको हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। आपको मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है जब खेती के साथ साथ जो पशुपालन किया जाता है, तो पशुपालन के साथ साथ सस्य उत्पादन, मतलब जो है ना आपको खेती के जो आपको मतलब सस्य उत्पादन, मतलब जो ऋतु के साथ जो है ना हम लोग क्या करते हैं, आपको बदल बदल के जो है ना फसलें उगाते हैं, तो उसको हम लोग सस्य उत्पादन कहते हैं। तो खेती के साथ साथ जो आपको पशुपालन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित खेती। आप लोग एक मत सोच लीजिएगा कि गेहूं उगाया, चावल उगाया तो ये जो है ना आपको मिश्रित खेती हो गया। नहीं, आपको खेती के साथ साथ जो पशुपालन होता है जिसे हम लोग मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं, आपको मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। तो भारत में जो है ना आवश्यकता से अधिक लोग जो है ना कृषि कार्य में लगे रहते हैं। सबसे पहली बात, क्या आवश्यकता से अधिक जो है ना आपको कृषि कार्य में लोग लगे रहते हैं। आपको जो है ना देखा होगा आप लोगों ने गाँव में तो, कि आपको जो है ना अगर माँ बाप जो है ना खेती में लगे हुए हैं तो उनके बच्चे भी उसमें जो है ना लग के जो है ना वो कर रहे हैं, वो उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। आपको मतलब इसीलिए बोला जाता है कि कृषि के क्षेत्रों में, खेती के क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है। मतलब जितने लोग रहते हैं उसके अनुसार उसकी जो है ना आपको प्रोडक्टिविटी मतलब नहीं मिलती है, उत्पादकता नहीं मिलती है। तो आवश्यकता से अधिक लोग रहते हैं, इसके कारण जो है ना आपको चार लोग भी मिलके उतना ही मतलब जो है ना उपज तैयार करते हैं, उत्पादन करते हैं, जितना पांच लोग। तो पांच लोग के बढ़ने के कारण जो है ना आपको उसकी उत्पादकता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आपको जो है ना अधिक लोगों का जो है ना कृषि के कार्य में लगे रहने के कारण उसकी उत्पादकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहला सही है। जोत का आकार, भारत में जो है ना आपको जो खेतों का आकार है, जो जोत का आकार है वो भी छोटा है, उसके कारण जो है ना आपको जो है ना उत्पादकता क्या हो जाती है, गिर जाती है। अब हम जो है ना ये मान लीजिए कि खेत है, इसमें जो है ना आपको इतना बड़ा खेत था, इतना ही बड़ा मान लेते हैं। अब इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, चार भागों में जो है ना क्या कर दिया, काट बना दिया। तो ये सब जो है ना मेड़ के कारण जो है ना, जहाँ आपको ये सब जो है ना उत्पादकता क्या हो जाती है, मेड़ बनने के कारण जो टोटल एरिया में जो है ना उत्पादन होता तो ज्यादा उत्पादन होता। और आपको ये सब मेड़ बनने के कारण ये सब जो है ना जो कि गांव में आरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सब के कारण जो है ना इसकी उत्पादकता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आपको खेतों का आकार छोटा होने के कारण, जोतों का आकार छोटा होने के कारण आपको भारत में जो है ना उत्पादकता क्या हो जाती है, भारतीय कृषि में उत्पादकता घट जाती है। उत्पादन का जो है ना हम लोग के पास जो है ना बहुत अच्छा जो है ना टेक्निक नहीं होने के कारण, टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण, उत्पादन के मामले में पिछड़ी टेक्नोलॉजी पिछड़ी तकनीक होने के कारण भी भारतीय कृषि में उत्पादकता कम देखने को मिलती है, निम्न उत्पादकता देखने को मिलती है। तो ये तीनों के तीनों कारण हुए, मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, ए उपर्युक्त सही। तो ये सब थे आपको भारत में निम्न उत्पादकता के कारण। आगे की अगर मैं बात करूं तो कृषि में युग्म पैदावार, युग्म पैदावार मतलब जो है ना आपको क्या होता है, विभिन्न मौसम पर दो फसल का उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। विभिन्न मौसम पर जो है ना आपको दो फसल को उगाना जो है ना आपको युग्म पैदावार कहा जाता है। आगे का प्रश्न है समानांतर फसल। समानांतर फसल मतलब आपको जो फसल जो है ना एक ही
एक ही ऋतु के दौरान, एक ही सीजन के दौरान जब जो है ना दो फसलों को उगाया जाता है, आप लोग देखिए गेहूं और सरसों जिसको रबी फसल कहते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। तो रबी फसल जो है ना आपको गेहूं और सरसों, ये आपको जो है ना समानांतर फसल है। जब एक ही समय में दो, मतलब सेम समय पे जो है ना आपको विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाया जाता है, तो वो जो भिन्न भिन्न फसलें होती हैं उनको हम लोग समानांतर फसल कहते हैं। आपको गेहूं और सरसों जो रबी फसल है वो आपको एक ही समय में जो है ना आपको याद आ रहा होगा, अभी जो है ना अक्टूबर नवंबर में इसका जो है ना आपको स्टार्ट हो जाता है नवंबर के आसपास में, तो आपको जो है ना इसकी जो है ना हम लोग बुआई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपको ठंडी के समय में आप लोग को याद आ रहा होगा, जैसे भी याद करना है वैसे करिएगा याद। तो ये आपको ठंडी के समय में भी जो है ना आपको सरसों और गेहूं दोनों के दोनों जो है ना आपको एक साथ बोया जाता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गेहूं और सरसों क्या है आपको, ठीक है, समानांतर फसल है, एक साथ बोई जाने वाली फसलें हैं। आगे की ओर बात करते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को समझा जाता है, अब भारत में जो खेती है ना वो व्यवसाय के रूप में नहीं समझा जाता है, ठीक है, व्यापार के नजरिए से उसको नहीं देखा जाता है। भारत में जो है ना आपको जीविकोपार्जन का, जो लाइवलीहुड का साधन है, जीविकोपार्जन का साधन है, आजीविका का साधन समझा जाता है भारत में खेती को। भारत में जो है ना खेती को क्या समझा जाता है, आजीविका का साधन समझा जाता है, वो आपको व्यवसाय का जो है ना साधन नहीं समझा जाता है। एक मार्क मतलब अंडा मत समझ लीजिएगा और आप लोग जो है ना लगा के आ जाइएगा, नहीं, एक मार्क जो है ना आपको एक केंद्र सरकार के द्वारा जो है ना आपको एक जो है ना योजना होती है, जो आपको जो है ना ग्रेडिंग और मार्केटिंग जो है ना, मतलब एक जो है ना ग्रेडिंग मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत जो आपको जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कृषि से संबंधित उत्पाद होते हैं, उसको जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है, उसको मानक जो है ना मानक देती है, उसको जो है उसको मानकीकरण करती है। तो एक मार्क जो है ना आपको गुणवत्ता की गारंटी का मुहर होता है। आप लोग जो कुछ भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपको खेती संबंधी उत्पाद होते हैं, उस पर एक मार्क जो है ना आपको मुहर लगा होता है। ठीक है, आप देखिएगा जब कुछ भी आप खाने की वस्तुएं खरीदते हैं, तेल वगैरह जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, जो कुछ भी खाने वाली तेल होती है, तो उस पर एक मार्क वगैरह का प्रयोग किया जाता है। एक मार्क जो है ना आपको गुणवत्ता की गारंटी का एक जो है ना आपको मुहर होता है। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था। हरित क्रांति जो है ना कब 1966-67 के दौरान में आया था आपको भारत में, हरित क्रांति, भारत में जो हरित क्रांति था वो आपको 1966-67 के दौरान जो है ना आपको प्रारंभ हुई थी। ये आपको हरित क्रांति में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना गेहूं के उत्पादन में जो है ना आपको पैदावार बहुत तेज गति से आपको बढ़ी थी, बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन देखने को मिला था। चावल का उत्पादन भी जो है ना अच्छा खासा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना आपको गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। तो हरित क्रांति जो है ना आपको 1966-67 के जो है ना आपको पीरियड में हुआ था, आपको 1966-67 के जो है ना आपको समय में हुआ था। तो ये कौन सा हो जाएगा आपको, सातवें दशक के दौरान, ठीक है ना। तो सातवें दशक, अरे सिंपल सी बात है, 66-67 मतलब 60 से लेकर क्या 70 तक, तो सातवां दशक हो जाएगा ना 20वीं शताब्दी क्या हो गया 1900 से लेकर के क्या 2000 तक, इसको बोलते हैं 20वीं शताब्दी। तो ये कब हुआ था, 1966-67 में हुआ था। तो ये 20वीं शताब्दी मतलब जो है ना 1900 से लेकर 2000 के बीच के पीरियड को हम लोग 20वीं शताब्दी बोलते हैं, 20th सेंचुरी बोलते हैं। तो ये 1966-67 पहला दशक कब हो जाएगा, 1901 से लेकर के कब तक, आपको 1910 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक, फिर 10 से लेकर के कितना, सॉरी 1 से 10 से 20 तक दूसरा दशक, तीसरा दशक, दशक मतलब 10 साल का जो है ना आपको पीरियड होता है, उसको दशक डिकेड कहा जाता है अंग्रेजी में। फिर जो है ना क्या हो जाएगा, 20 से 30 तक तीसरा दशक, तो इस तरह से जो है ना 60 से लेके कितना तक 70 तक जो है ना कौन सा दशक हो जाएगा, सातवें दशक में, मतलब 1966-67 के दौरान जो है ना आपको गेहूं के उत्पादन में जो है ना बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी, ठीक है, जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के बारे में आगे भी इन्फॉर्मेशन अभी जो है ना बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, वैसे मैं अभी बता दूं, हरित क्रांति का जनक जो है ना भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में किसको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन जो है ना वो वाज फादर ऑफ स्वामीनाथन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के जो है ना आपको
जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में। लेकिन आपको विश्व में जो है ना, आपको हरित क्रांति के जनक जो है ना, वो किसको बोला जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को। हरित क्रांति का जनक जो विश्व में है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। वो आपको कहां से बिलोंग करते थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपको भारत से नहीं, वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वो आपको जो है ना, जो आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आपको हरित क्रांति के जनक हैं, वो कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है ना हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जो है ना भारत में हरित क्रांति का जनक है। भारत में हरित क्रांति जो है 1966-67 के पीरियड में आया था, जिसमें गेहूं के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक, फिर से विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? आपको नॉर्मन ई. बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक, यही भारत में हरित क्रांति के जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये दिया ही है आपके, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, और ये जो है ना विश्व में नॉर्मन ई. बोरलॉग, जो कि कहां से बिलोंग करते थे? अमेरिका से। ठीक है, हरित क्रांति का गहरा संबंध रहा है, तो हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध रहा है भाई? भारत में एम.एस. स्वामीनाथन का रहा है। ये तो श्वेत क्रांति के जनक थे। ये क्या थे आपको? जो आपको वर्गीज कुरियन थे, वो श्वेत क्रांति के जनक थे, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे आपको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है ना आपको श्वेत क्रांति के जनक थे। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो वो आपको हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है। गेहूं के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी, चावल का उत्पादन भी तेज हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना आपको उत्पादन बहुत ज्यादा देखने को मिली थी तो गेहूं के क्षेत्र में। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है आपको? गेहूं उत्पादन से। कब? 1966-67 के टाइम में जो है ना हम लोगों ने देखा था कि भारत में हरित क्रांति। आगे देखते हैं, हमारे पास निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ, उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों हुआ? तो सबसे ज्यादा जो है ना आपको हरित क्रांति, सिंपल सी बात है, किससे संबंधित था? आपको गेहूं उत्पादन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो है ना आपको भारत ने आपको गेहूं के उत्पादन में प्रगति करी थी उस समय के प्रश्न के अनुसार। हमारे पास कुछ जोड़ियां मिलाना है, तो देख सकते हैं दूध उत्पादन जो क्या था? श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन जो है ना क्या है? श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन में बहुत ज्यादा जो है ना आपको वृद्धि देखने को मिली थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। ठीक है, मछली पालन, मछली पालन जिसको हम लोग जो है ना पीसी कल्चर भी कहते हैं, तो मछली पालन, मत्स्य पालन नीली क्रांति। ठीक है, और उर्वरक जो है ना आप लोग फर्टिलाइजर और आपको भूरी क्रांति, और खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति, दूध उत्पादन हरित क्रांति के जनक कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित श्वेत क्रांति जो आपको दूध से संबंधित था, वो किससे? व्हाइट रिवॉल्यूशन वाज रिलेटेड टू मिल्क। ठीक है, तो ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है, उसके जो है ना फादर ऑफ आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति के जो है ना आपको जनक कौन थे? वो थे आपको वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। आगे की ओर देखते हैं, मछली पालन नीली क्रांति से संबंधित था, और उर्वरक जो है ना भूरी क्रांति। ठीक है, अब जो है हमारे पास अगला प्रश्न है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का आंसर क्या हो जाएगा? प्याज उत्पादन। गुलाबी क्रांति क्या? आप लोग ऐसे भी ट्रिक कर से याद कर सकते हैं, जैसे कुछ भी दिमाग लगा के, जैसे पानी जो है ना ब्लू है, पानी पानी तो ये सब जो कुछ भी है, पानी जो है ना कैसा, समुद्र जो है जब हम लोग देखते हैं तो समुद्र का जो पानी का रंग कैसा दिखाई देता है आपको? ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो जो कुछ भी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है ब्लू, तो वो जो है ना आपको मछली पालन, मछलियां समुद्र नदी ये सब में ही तो रहती है, तो आपको जो है ना क्या हो जाएगा, वो मछली पालन कैसे नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति वो तो याद करने की जरूरत नहीं है, गेहूं जो है आपको हरित क्रांति। अब उसके बाद जो है ना गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। काली क्रांति किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है।
भूरी क्रांति, ठीक है, भूरी क्रांति जो है ना आपको उर्वरक से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे? हरित क्रांति तो हम लोगों ने देखा ही खाद्यान्न उत्पादन से, और लाल क्रांति मांस जो है ना कैसा होता है, लाल होता है, मांस और टमाटर उत्पादन से। जो भी ऑप्शन आएगा दोनों में से, ठीक है, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे आपको, ठीक है, मांस उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, पीला सरसों तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति किससे आपको जो है ना तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति मछली उत्पादन से, नीली क्रांति क्या है आपको मछली उत्पादन से, हम लोगों ने देखा ही। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो जो कच्चा तेल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है उसके उत्पादन से संबंधित है आपको, पेट्रोलियम उत्पादन से जो है ना आपको संबंधित है आपको काली क्रांति। काली क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुनहरी क्रांति, तो आप लोग बिल्कुल सुनहरी जो है ना आपको उद्यान बिल्कुल सही है। फल फल से संबंधित जो है ना आपको फलों के उत्पादन से संबंधित थी आपको कौन सी क्रांति, सुनहरी क्रांति, ठीक है, सुनहरी क्रांति, ठीक है, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन सही है। नीली क्रांति मछली पालन, कुक्कुट पालन नहीं, कुक्कुट मतलब होता है आपको मुर्गा, मुर्गा मुर्गी पालन, तो नहीं, मछली पालन से संबंधित था आपको नीली क्रांति, मत्स्य पालन। हरित क्रांति कृषि सही है। नीली वाला जो है ना आपको क्या है गलत दिया हुआ है, नीली क्रांति जो है ना कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं था, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बाकी पता नहीं है, श्वेत क्रांति जो है ना आपको दूध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति मछली उत्पादन, नीली क्रांति क्या हो जाएगा आपको मछली उत्पादन हो जाएगा। किन महीनों में रबी की फसल, अब देखिएगा हम लोग फसल पे अब जो है ना जंप करते हैं क्वेश्चन, अब जितने भी आएंगे वो फसल से संबंधित आएगा। रबी फसल और उसके साथ साथ जो है ना खरीफ फसल, जायद फसल, कैश क्रॉप्स जिसको हम लोग नकदी फसल के नाम से जानते हैं हिंदी में, इन सारी चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। अभी हमारे पास पहला जो प्रश्न है, किन महीनों में आपको जो है ना रबी की फसल की बुआई की जाती है, तो रबी का फसल अभी तो जो है ना हम लोग का जो है ना चावल जो है ना हम लोग उगा रहे हैं, ठीक है, धान की जो है ना आपको फसल को जो है ना उगाया जा रहा है, उपाय बुना ये सब जो है ना चल रहा होगा। तो हम लोग कहने का अर्थ ये है कि जो है ना हमारे पास रबी फसल लेकिन पूछा गया है, तो रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में जो है ना इसकी बुआई की जाती है। कब की जाती है आपको, अक्टूबर नवंबर में जो है ना रबी फसल की बुआई करी जाती है, ठीक है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है, नवंबर के आसपास के महीने में। सब हम लोग देखेंगे कब काटी जाती है, कब जो है ना बोई जाती है। अभी हम लोग जो है ना एक हमने आपके लिए एक जो है ना नोट्स टाइप से तैयार किया है। भारत में जो है ना मुख्यतः तीन फसल की बुआई की जाती है, एक रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल और तीसरा जो है ना जायद फसल। तीन तरह की जो है ना फसलों की बुआई की जाती है भारत में। रबी फसल बुआई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब की जाती है आपको, मार्च अप्रैल में। अक्टूबर नवंबर में जो है ना क्या की जाती है, बुआई, और आपको जो है ना कटाई कब की जाती है, मार्च अप्रैल में। कोई दिक्कत है, बस पांच महीना ऐड कर लीजिएगा, लगभग पांच महीना तक जो है ना आपको इसको बोने के बाद जो है ना पांच महीने बाद काट लेते हैं, तो अक्टूबर से जो है ना पांच महीना ऐड कर लीजिए। मार्च अप्रैल में जो है ना आपको जैसे ही ठंडी जो है ना आपको खत्म होता है, जैसे ही जो है ना विंटर सीजन एंड हो जाता है, वैसे ही जो है ना आपको गेहूं की जो है ना कटाई हो जाती है कि नहीं हो जाती है, याद आ गया होगा आप लोगों को। तो ये जो अक्टूबर नवंबर में जो है ना इसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है, और मार्च अप्रैल में जो है ना इसकी क्या की जाती है, कटाई करी जाती है, ठीक है। हम लोगों ने देखा, देख लीजिए, जोड़ लीजिए, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नवंबर से जोड़िएगा, अक्टूबर से जोड़िएगा तो मार्च आएगा पांच महीना बाद, और नवंबर से जोड़िएगा तो आपको अप्रैल आ जाएगा। तो ये जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। रबी की फसल जो है ना आपको कौन है, जो आपको उसी टाइम जो ठंडी के समय में जो जो है ना आपको खेतों में देखने को मिलता है, वो गेहूं, जौ, चना, चना वगैरह आप लोग को याद ही आ रहा होगा, जब चना का जो है ना आप लोग खाते हैं, जब जो कुछ भी उस चने का साग भी खाते हैं, मटर, ये सब, सरसों, ठीक है, मसूर, ये सब, आलू, ये सब ठंडी के समय में बोई जाने वाली जो है ना फसलें हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रबी फसल कहते हैं। क्या है आपको, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और आपको काटा कब जाता है, तो जो ठंडी के टाइम में जो है ना बोया जाता है वो क्या है आपको, रबी का फसल है। वो क्या है आपको, गेहूं देख लीजिए, जौ देख लीजिए, चना देख लीजिए, मटर देख लीजिए, सब सारी चीजें, ये सब जो है ना आपको रबी फसल है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। खरीफ फसल जो है ना इसको जून जुलाई में बोते हैं। अभी देख लीजिए, अभी जो है ना हम लोगों ने धान की रोपाई करी है,
तो आपको जो है ना जून जुलाई में बोया जाता है और आपको जो है ना अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, इसमें भी आप देख लीजिए जून 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 के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो वही जो है ना आपको ये आपको जून जुलाई में 4 से 5 महीने के बाद जो है इसको काट लिया जाता है। तो जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। अब जो है ना खरीफ फसल में क्या है, आप लोग बस कम से कम ये याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको, गेहूं के साथ जो है ना कौन कौन सा जौ चना सरसों ये सब जो है ना आपको गेहूं के साथ बोई जाने वाली है। तो गेहूं क्या है, रबी फसल है, चना क्या है, रबी फसल है, और ये आपको जो है ना चावल क्या है, आपको खरीफ फसल है। आप लोग गांव में सुने होंगे कि रबी जो है ना खराब हो गया तो रबी जो है ना आपको रबी का उत्पादन इस बार अच्छा रहा, तो वही रबी फसल जो है ना आपको गेहूं चना ये सब जौ सरसों है। लेकिन अगर मैं बात करूं चावल तो एक खरीफ फसल है, तो चावल ज्वार बाजरा मक्का ये सब जो है ना मूंगफली ये सब आपको खरीफ फसलें हैं। तो बोई कब जाती है, जून जुलाई में जब बरसात स्टार्ट होता है उस समय जो है ना, क्योंकि चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है तो बरसात के समय में इस समय अभी हम लोग बोते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जायद फसल, जायद मार्च जुलाई, मार्च से जुलाई में ये सब जो है ना ग्रीष्मकालीन फसल है, जो मार्च से जुलाई के बीच का जो आपको पीरियड होता है उस समय जायद फसल को बोते हैं। तरबूज खरबूज ये सब ककड़ी खीरा ये सब जो है ना जायद फसल में, सब्जियां ये सब जो है ना जायद फसल में आती है, सब्जियां ये सब किसमें आती हैं, जायद फसल में आती है। हम लोगों ने देखा अब हमारे पास से निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है, तो सिंपल सी बात है सरसों गेहूं जौ चना मटर ये सब के सब जो है ना किसमें आएंगे, आपको रबी फसल में आएगा। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, खरीफ नहीं है तो मतलब पूछ रहा है कौन खरीफ नहीं है मतलब रबी ऐसा शायद, तो धान तो खरीफ है, ठीक है, मक्का खरीफ है, मूंगफली खरीफ है, मसूर गेहूं जौ चना ये सब जो है ना आपको कब बोया जाता है, आपको ठंडी के टाइम में, मतलब ये क्या है आपको रबी फसल, मसूर जौ चना ठीक है गेहूं, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो चना जो है ना क्या है रबी फसल है, साफ देख गया कि चना क्या है आपको रबी फसल है, तो वही पूछ रहा है कि खरीफ नहीं है तो धान धान खरीफ है, मक्का खरीफ है, ज्वार खरीफ है, ये सब के सब जो है ना आपको क्या है खरीफ है, तो आपको खरीफ नहीं है मतलब जो है ना चना दिख रहा है कि वो रबी फसल है तो इसलिए वो खरीफ नहीं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति का होना जरूरी है, गेहूं के लिए आपको मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए और मीडियम क्या होना चाहिए वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा की जरूरत नहीं हो जरूरत पड़ती है आपको, आपको गेहूं में आपको खेती को धान की खेती के लिए बहुत ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है, तो मध्यम टेम्परेचर मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा होनी चाहिए, तो आपको जो है ना गेहूं की खेती के लिए अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है नकदी फसल किसको कौन नहीं है, नकदी नकदी मतलब कैश क्रॉप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैश, जिससे आपको कैश मिले, क्या मिले कैश मिले, ऐसे याद करते हैं अपन लोग, तो आपको गन्ना जूट कपास गेहूं, तो आपको कैश क्रॉप गेहूं जो है ना आपको फूड क्रॉप में आता है, किसमें आता है आपको खाद्यान्न फसल में आता है, किसमें आता है गेहूं चावल ये सब जो है ना फूड क्रॉप में आता है, तो आपको पूछ रहा है कि कौन गन्ना ये सब का उत्पादन जो है ना हम लोग जनरली आप लोग घर पे जो है ना खाने के लिए फूड क्रॉप्स खाद्यान्न के लिए हम लोग नहीं करते हैं, ये सब जो है ना गन्ना का जूट का कपास का उत्पादन, ठीक है कपास को बिल्कुल नहीं आपको जो है ना फूड क्रॉप्स है वो खाने वाली चीज तो है नहीं कपास, तो ये जो है ना आपको कैश क्रॉप्स है, ये क्या है नकदी फसल है, ये क्या है आपको गन्ना भी क्या है नकदी फसल है और ये भी जो है ना जूट भी क्या है आपको नकदी फसल है, तो कौन नकदी फसल नहीं है, तो गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है, क्योंकि गेहूं क्या है आपको खाद्यान्न फसल है, गेहूं फूड क्रॉप्स है कैश क्रॉप्स नहीं। हमारे पास अगला प्रश्न है आपके सामने, गेहूं के अधिकतम उत्पादन सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश सॉरी सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो आपको गेहूं और गन्ना के उत्पादन में जो है ना यूपी का पहला स्थान है, यूपी का पहला स्थान है आपको गेहूं और गन्ना के उत्पादन में, गेहूं और गन्ना के उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति गेहूं की है, पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है गेहूं की प्रजाति है पूसा सिंधु गंगा। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल, अरे भैया चना क्या है रबी फसल है, तो पूछ रहा है कि खरीफ की फसल नहीं है, तो यही तो जो है ना खरीफ की फसल नहीं है,
खरीफ की अरहर मक्का धान ये सब क्या खरीफ की फसल है, तो खरीफ का फसल नहीं पूछ रहा था, तो रबी चना जो है ना किसमें आता है, रबी फसल में आता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में कौन भारत में प्रमुख खाद्यान्न है। तो भारत में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना आपको खाई जाने वाली जो आपको फसल है वो चावल का जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको भारत में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना खाई जाने वाली कौन सी है आपको फसल, तो सबसे ज्यादा जो है ना आपको भारत में उपयोग किया जाता है खाने के रूप में चावल का, गेहूं सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा चावल का गेहूं कौन से नंबर पे आता है आपको, सेकंड नंबर पे आता है। तो भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी है, चावल। खाई जाने वाली कौन सी है आपको फसल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है ना क्या है आपको भारत में, आपको हमने देखा कि चावल जो है सबसे ज्यादा जो है ना महत्वपूर्ण खाद्य फसल है भारत में। इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को चैनल वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए लोग हैं, और वैसे अभ्यर्थियों को भी जो है ना फॉरवर्ड कीजिए जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी आने वाले जो परीक्षाएं हैं उन सभी के व्यू से आपको बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।